जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में निचली सतह पर मां और बच्चे की तरक्की में आंगनवाड़ी मरकज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समाजी बहबूद की निगरानी में काम करने वाले आंगनवाड़ी मरकज खवातीन और बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांव के इलाकों में आंगनवाड़ी मरकज ICDS स्कीम के तहत काम करते हैं। स्कीम के तहत मुनासिब खुराक, तालीम और सेहत चेकअप की सहूलियात फराहम की जाती है। आंगनवाड़ी मरकज में काम करने वाले वर्कर्स घर घर जाकर खवातीन और उनकी सेहत, सफाई और दीगर अहम चीजों के बारे में भी आगाह करते हैं। जम्मू कश्मीर के गाँव के इलाकों में खवातीन बाइख्तियार हो रही हैं। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तमाम रियासतों की आंगनवाड़ी वर्करों से बात की और उनसे खिताब किया और उनके काम की तारीफ की। वजीर आज़म ने तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ की। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। आप सभी ने इस मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया और देश में 3 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया। आंगनबाड़ी मरकज की जरूरत। मरकज की निगरानी के लिए खवातीन और बच्चों की तरक्की का महकमा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकर्रर करती हैं। निगरान मरकज की निगरानी करता है। उनका काम आंगनवाड़ी मरकज की जांच करना, मरकज के लिए गजायत फराहम करना, हमाला खवातीन और बच्चों को वक्त पर वैक्सीन लगवाना होता है। हर 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकर्रर की जाती है, जिसे चीफ सेविका कहा जाता है, जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को काम के हवाले से रहनुमाई फराहम करती हैं। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की जरूरियात और देखभाल के बारे में आगाही फैलाने का मरकज भी हो। आंगनवाड़ी वर्कर का क्या काम है? आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम मुतालिक गांव या इलाके में मुआयना, हमल, मशावरात और सप्लाई, गजायत की तालीम और सप्लीमेंट्री स्कूल तालीम वगैरह से स्कीमों से आगाह करना और इससे मुतालिक काम करना है। आंगनवाड़ी और नई तालीम पॉलिसी। नई तालीम पॉलिसी के तहत तरबियत देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मुल्क भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स और बाल वाटिका वर्कर्स को तरबियत देगा। इसके लिए NIOS मुल्क भर में तरबियाती कैंप मुनाक़द करेगा ताकि बच्चे मुनासिब तालीम हासिल कर सकें। आंगनवाड़ी में क्या सहूलियात हैं? आंगनवाड़ी में फराहम की जाने वाली खदमात हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को इजाफाई ग़िज़ाइश, हमाला और नर्सिंग ख़वातीन को इजाफाई ग़िज़ाइश, 6 साल से कम उम्र बच्चों को इजाफाई ग़िज़ात, हमाला और नर्सिंग ख़वातीन को इजाफाई ग़िज़ात। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मुलाजिमात और जिम्मेदारियां। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाना और ग़िज़ात से भरपूर खुराक फराहम करना, हामला ख़वातीन को डिलीवरी के वक्त तक वैक्सीनेशन फराहम करना, नोआइस बच्चों और उनकी माँ की देखभाल करने वालों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक फराहम करना, कुपोषण शिकार बच्चे को मुनासिब सेहत फराहम करना और उसे सेंट्रल अस्पताल भेजना, 15 से 45 साल के दरमियान ख़वातीन को सेहत की तालीम का इल्म फराहम करना, बच्चों और हामला ख़वातीनों को वक्त वक्त वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात देना आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी जिम्मेदारी है। 6 साल तक के बच्चों के लिए गैर रस्मी तालीम की सहूलियत फराहम करना, नौमौलूद बच्चों की देखभाल और 6 साल तक के बच्चों को सेहतमंद माहौल फराहम करना, बच्चे के खाने पीने का भी ख्याल आंगनबाड़ी वर्कर्स को रखना पड़ता है। बच्चों और माओं के लिए जो भी सामान आता है उसे घर घर तक पहुंचाना आंगनबाड़ी वर्कर्स का फर्ज है। आंगनबाड़ी टीचर्स बनने की महारत। आंगनबाड़ी वर्कर्स बनने के लिए आपको बच्चों की देखभाल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। वर्कर्स को ग़िज़ात से भरपूर खुराक और वैक्सीनेशन से भी आगाह होना चाहिए। सामान तकसीम करने के लिए वर्कर्स को घर घर जाना पड़ता है। बच्चों की कामयाबी की नशोनुमा और हम्माला ख़वातीन की खिदमात से आगाह करना आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। ग्राम पंचायत को मुख्तलिफ माउन और निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देने की ज़रूरत है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आंगनबाड़ी मुनासिब तरीके से काम करें। माँ और बच्चा हो महफूज, सिर्फ यही अभिलाषा है। जिंदगी ग़ज़ायत से हो भरपूर, सिर्फ यही आशा है।